नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान लोकसभा में 34% और राज्यसभा में 24% कामकाज हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन के खिलाफ परामर्श जारी किया। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के 3 दिन के दौरे पर काजीरंगा पहुंची। आईआईटी कानपुर में Y20 विमर्श में निर्यात, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदन आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से आरंभ हुआ था। इस दौरान अदाणी समूह के मुद्दे और भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर लोकसभा और राज्यसभा में निरंतर गतिरोध बना रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दोनों सदनों में केंद्रीय बजट और अन्य विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और शोर शराबे के बीच ही उन्हें पारित किया गया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बजट सत्र के दौरान कामकाज का उल्लेख करते हुए समापन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सदन में 8 विधेयक प्रस्तुत किए गए जिनमें से 6 पारित हो गए। श्री बिड़ला ने सदन में निरंतर व्यवधान पर अप्रसन्नता व्यक्त की। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। हमेशा मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। अध्यक्ष के भाषण के दौरान कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य अदाणी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। उधर राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद जब 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो डीएमके सदस्य तिरुचि सिवा ने सदन के नेता पीयूष गोयल के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ की व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। श्री गोयल ने भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी का जिक्र किया था। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में 34% और राज्यसभा में 24% से कुछ ज्यादा कामकाज हो पाया। सत्र के समापन पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस सत्र में 6-6 विधेयक पारित किए। इनमें वित्त विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। 8 बिल इसमें इंट्रोड्यूस हुए, 6 बिल पास हुए लोकसभा से, 6 बिल राज्यसभा से। टोटल अगर आप दोनों हाउसेज से बात करें तो हमारे 6 बिल पास हो गए। इंट्रोडक्शन हमारा 8 बिल्स का रहा और इसमें हमने फाइनेंस बिल पास किया, हंगामे में हुआ लोकसभा राज्यसभा दोनों में। 1 अप्रैल से वो लागू भी हो गया और एक और बिल था कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 और एक बिल हमें ज्वाइंट कमेटी को भेजा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार से बचने का परामर्श दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध गतिविधि हैं, इसलिए इस तरह की गतिविधियों का मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन और प्रचार प्रसार विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है। मंत्रालय ने हाल की घटनाओं को देखते हुए यह परामर्श जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों को यथावत रखने की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो दर को यथावत 6.5% ही रखा गया है।
स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% बनी रहेंगी। आकाशवाणी से बातचीत में आर्थिक विश्लेषक के बद्रीनाथ ने इसे एक अहम फैसला बताया। अभी तक पिछले 11 महीने में 6 बारी ब्याज दरों का बढ़ोतरी किया गया है। इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो चुका था और रिटेल कस्टमर्स के लिए जो छोटे बोरोयर्स है उनके लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे आउट करने में बहुत ज्यादा उनका ऊपर दबाव पड़ रहा था। अब जो है ये थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के असम दौरे पर काजीरंगा पहुंच गई हैं। बोकाखाट में राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वे कल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समारोह में भाग लेंगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से। बोकाघाट और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी पहली यात्रा पर राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बागोरी रेंज में जीप सफारी करके प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाए। राष्ट्रपति ने ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट व्हिस्परर्स भी देखे और साथ ही प्रदेश की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। कल वो काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी जो भारत में हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति कोहरा में जीप सफारी करेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, काजीरंगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा 2 घंटे में हो सकेगी। श्री गडकरी ने 6 लेन के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसमें दिल्ली से देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इसमें 23 किलोमीटर की कमी आएगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार करीब 1.5-2 घंटे में संभव होगा। और इस दिसंबर के बाद ये जो एक्सप्रेस वे दिल्ली के अक्षरधाम के पास डीएमए से शुरू होगा, शास्त्री पार्क, हजूरी खास, मंडोला, बागपत से खेकड़ा, मेपी इंटरचेंज से शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक बनेगा। भारत और विदेशों के 1500 से ज्यादा युवाओं ने आज उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर में Y20 विमर्श में भाग लिया। G20 की भारत की अध्यक्षता में आयोजित ये विमर्श भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कल और आज आयोजित किया गया। इस दौरान निर्यात, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई। कानपुर मंडल आयुक्त डॉ. राजशेखर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारत ने आशा व्यक्त की है कि चीन के अधिकारी वहां भारतीय पत्रकारों की निरंतर उपस्थिति सुगम बनाएंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए चीन के पत्रकारों को भारत का वीजा उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयास से जुड़े प्रश्न पर श्री बागची ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हमने एक्चुअली एक स्टेटमेंट जारी किया था 1-2 दिन पहले। ये पहली बार नहीं है कि चाइना इस तरह के कोई अटेम्प्ट कर रहा है और हमने खंडन किया था ऐसे अटेम्प्ट्स का। हमने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमारे अभिन्न अंग है भारत का, और ये जो अपने नाम लगाना या फिर अपने इन्वेंटेड नेम्स हमने जो कहा था उससे जो सिचुएशन है ग्राउंड में वो नहीं बदल सकता और रियलिटी नहीं बदल सकती है, तो मैं उसी को दोहराना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसतन 10% है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिति से उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है कॉलेज लाइफ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 7वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 46वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का नौजवानों को दिया वो संदेश, जिसमें उन्होंने कॉलेज लाइफ के जरिए जिंदगी को गढ़ने का सुझाव दिया है। मन की बात कार्यक्रम की विशेषता रही है प्रधानमंत्री ने हर बार सामयिक मुद्दों को छुआ है। अब जुलाई के महीने को लीजिए, तकरीबन पूरे देश में इन्हीं दिनों कॉलेजों विश्वविद्यालयों का नया सत्र शुरू होता है। कॉलेज पहुंचे छात्र इस नई जिंदगी को पढ़ाई के साथ मस्ती का भी दौर मानते हैं। 29 जुलाई 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं को एक और संदेश दिया, जिंदगी में नई नई राहें चुनने का संदेश, जो आविष्कारों को प्रेरित करे, जो नया कुछ कुछ करने को प्रेरित करे। कई छात्रों ने अभी तक अपने अपने कॉलेज ज्वाइन कर लिए होंगे, कुछ ज्वाइन करने वाले होंगे। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, बी कॉम, एंजॉय लाइफ, जीवन में अंतर्मन का भरपूर आनंद ले। किताबों के बिना कोई चारा तो नहीं है, स्टडी तो करना पड़ता है, लेकिन नई नई चीजें खोजने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। पुराने दोस्तों का अपना महामूल्य है, बचपन के दोस्त मूल्यवान होते हैं, लेकिन नए दोस्त चुनना, बनाना और बनाए रखना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है। कुछ नया सीखे, जैसे नई नई स्किल्स, नई नई भाषाएं सीखे। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 9:15 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 147 रन बना लिए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 144 अंक बढ़कर 59,833 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक बढ़कर 17,599 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 81.90 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.10 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हनुमान जन्मोत्सव पर गुजरात के बोटाद जिले में सालंगपुर शहर में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। श्री शाह ने मंदिर में नई सामुदायिक रसोई का भी उद्घाटन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान लोकसभा में 34% और राज्यसभा में 24% कामकाज हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा निर्देशों को स्वीकृति दे दी है, जिससे रसोई गैस के मूल्यों में स्थिरता आ सकेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन के खिलाफ परामर्श जारी किया। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के 3 दिन के दौरे पर काजीरंगा पहुंची।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।